बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द एमडी कैट के एमडी कैट टेस्ट क्या होता है और 2023 का जो एमडी कैट टेस्ट है वो कब होगा और उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड अलाइंड साइंसेज ने क्या क्या तब्दीलियां की हैं। इस बार कुछ उसमें टेस्ट में भी तब्दीलियां की हैं और किन किन चीज़ों के लिए टेस्ट ज़रूरी है और उसके साथ साथ कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है और ये टेस्ट कब से हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बहस करेंगे। तो हर साल जो है प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनका अप्रॉक्सीमेटली जो एमटी कैट का एग्ज़ाम है वो आपके एग्ज़ाम के तकरीबन 3-4 माह बाद होता है जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है। तो ये एमडी कैट टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 27th of August। तो जो 2023 का जो एमडी कैट का टेस्ट है वो 27 अगस्त को होगा। फाइनल डेट जो है वो जारी सी बात है, जब एडमिशन वगैरह अनाउंस होंगे कॉलेजेस में तो फिर इसमें कुछ अल्लाह ना करे कुछ तरह के मुल्क में हालात हों जिसमें वो चेंज करनी पड़े, और अदरवाइज़ यही फाइनल डेट है। अब इसमें टोटल कितने सवालात होते हैं, 200 MCQs होते हैं जिनका टाइम जो है वो 3.5 घंटे होता है, और कंप्यूटर बेस्ड MCQs होते हैं जिसमें मिनिमम पास मार्क्स जो हैं वो मेडिकल कॉलेज के लिए जो 65% हैं और डेंटल कॉलेजेस के लिए 55% हैं। तो ये पास करना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ पास करने से ही आपको एडमिशन नहीं मिलेगा बल्कि यहाँ पर आपको कम्पीट करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ सिर्फ ये पास का नहीं सोचें बल्कि कंपीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। अब इसमें जो टेस्ट बनाया कैसे जाता है, यानी इसमें 20% जो है वो आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 60% जो है वो दरमियाने किस्म के और 20% जो है ना वो ज़रा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। ये इसलिए है ताकि तमाम लोगों को साथ लेकर चला जा सके और मेहनती और कम मेहनती और ज़हीन तुलबा में फ़र्क किया जा सके और जो मेहनती बच्चे हैं वो आगे आ सकें। यानी 20% आपके आसान क्वेश्चन होंगे, 60% जो हैं वो मॉडरेट होंगे। तो ये जो 80% हिस्सा है ये तो अमूमन आप कह लें कि जो 50% से ज़्यादा बच्चे हैं वो कर लेंगे, और यही 20% जो हार्ड वाला हिस्सा है, जो सख्त वाला, यानी जिसमें मुश्किल सवाल हो सकते हैं, तो यही चीज़ जो है वो मेहनती बच्चों को आगे लेकर जाती है। फॉर प्रिपरेशन विजिट PMRCORG.PK, यानी कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसको विज़िट करें ताकि गाहिब गाहे जो भी इंफॉर्मेशन हो उसमें कोई तब्दीली हो आप तक पहुंच सके। अच्छा, इसके बारे में अक्सर बच्चे जो न्यू कमर हैं, बिगनर हैं, या वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को करवा रहे हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि इनके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो उनका आपका मेडिकल का जो उनका 2 साल का FSC का सिलेबस है वो बेसिकली वही चीज़ें हैं, ठीक है, वही इम्पॉर्टेंट हैं। द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ एम डी कैट एस्पायरेंट्स इज द वेयर टू प्रिपेयर एंड विच बुक्स आर बेनिफिशियल टू रीड द एम डी कैट टेस्ट। No doubt these are very important question and you must have a right study material because the right study material gives you a right direction to ace this test. Our MDCAT test will be conducted for your course books which you can study in your FSC and MDCAT books online. So your course books are MDCAT books. Your FSC and A level books course books are basically for your कंसेप्ट बिल्डिंग एंड बेटर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टॉपिक। यानी जो आपकी FSC और ओ लेवल की जो बुक्स हैं वही आपका सिलेबस हैं, तो उन्हीं को आप पढ़ें और उसके साथ साथ जो है और भी बुक्स का आप मतालिया कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी जो चीज़ें हैं वो आपकी ए लेवल और FSC का जो आपका सिलेबस है वही आपकी बुक्स हैं। ये डिफरेंट किस्म की बुक्स मैंने यहाँ बताई, MDCAT पास पेपर है, नेशनल MDCAT बुक्स पाए, MBScom.PK है, स्टार्ट MDCAT है, किप्स है, ये डिफरेंट किस्म की बुक्स हैं। ये आप कह सकते हैं कि आप इनको बतौर टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, असल में चीज़ें वही हैं जो आपका FSC और A लेवल का आपका सिलेबस है, यानी जो आपने FSC में
पढ़ा है बेसिकली चीज़ें वही हैं, और आप डिफरेंट बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए या कंसेप्ट के लिए, और भी बुक्स, इनमें से किसी भी बुक को आप मुताला कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस। अब कुछ चेंजेस किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, जो कि जिसका काम है पूरे पाकिस्तान में एमडी कैट को कंडक्ट करवाना, इसका सिलेबस बनाना, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो तय करना, उसने उसमें कुछ चेंजिंग की है वो मैं आपको बता दूं। द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस हैज़ मेड द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एमडी कैट मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू फॉर 4 and 5 years अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज इन पंजाब। द एडमिशन टू दीज प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग बी एस ऑनर्स एंड डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी विल बी बेस्ड ऑन द सेम वेटेज क्राइटेरिया यूज टू कैलकुलेट द मेरिट ऑफ एम बी बी एस बी डी एस इज दैट 50% वेटेज ऑफ एम डी कैट, 40% ऑफ इंटरमीडिएट एंड 10% ऑफ मेट्रिकुलेशन। यानी जिसका जो फार्मूला क्या है कि आपका 50% जो जितने भी मार्क्स आप इस 200 में से लगेंगे वो आपके काउंट होंगे, 40% आपके इंटरमीडिएट के और 10% जो है आपके जितने भी मार्क्स हैं वो आपके मैट्रिक के लगेंगे। एडमिशन टू दीज प्रोग्राम्स विल बी ओपन्ड इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ एमडी कैट रिजल्ट बाय द यूनिवर्सिटी, व्हाइल द क्लासेस इन ऑल इंस्टीट्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 15। तो यानी नेक्स्ट ईयर जनवरी में इनकी क्लासेस होंगी, के दरमियान में सारे का सारा इनका प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। अच्छा, द दी डिसीजन आर टेकन इन 20th मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडीज इन अलाइड हेल्थ साइंसेस ऑन थर्सडे। तो यानी ये उनका जो भी उनका बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है उनमें ये चीज़ें अप्रूव हुई हैं और कुछ उसमें चेंजें वगैरह की हैं। द बोर्ड ऑफ डिसाइडेड दैट दैट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशंसी कोर्स सच एज आइट्स टू द कैरिकुलम। तो आइट्स जो हैं, जो बच्चे इस बारे में जानते हैं, जो डॉक्टर्स हजरात या वैसे भी अगर आप फॉरन अमेरिका बरतानिया यूरोप में कहीं पे भी आपने जॉब के लिए या स्टडी के लिए आपने मूव करना है, तो आइट्स जो है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो ज़रूर मांगते हैं। तो वो आपका 6 point something यानी 6 band होना ज़रूरी है। तो उसको भी उन्होंने इस कोर्स का हिस्सा बना लिया ताकि जो बच्चे यहाँ से डॉक्टरेट की डिग्री करने के बाद बैरून मुल्क जाना चाहें तो उनको इस चीज़ का इशू ना हो। नंबर वन, दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू द इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तानी नर्सेज एंड पैरामेडिक्स अब्रॉड टू द प्रोवाइड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑल द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वर आल्सो अप्रूव्ड टू द ग्रेजुअली शिफ्टेड टू द सेमेस्टर सिस्टम। द बोर्ड ऑफ स्टडी अग्रीड टू मेक अ कैरिकुलम ऑफ द 4 year BS ऑनर्स एंड 5 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्किल बेस। इसमें एक तो ये इनको भी उन्होंने मैनुअली की बजाय अब सेमेस्टर सिस्टम पे कर दिया है और उनके लिए आइट्स का सिलेबस जो है वो शामिल कर दिया ताकि इन बच्चों को आफ्टर जो आपके डिग्री कम्प्लीशन जॉब वगैरह के लिए फॉरन में कोई इशू ना हो। ऑन द सेकंड, वेरियस सब कमेटीज़ वर, अब ये उनके डिसीजन हैं जो उन्होंने लिए हैं। ऑल द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर असम, ये भी उनका एक जो भी उनका एक ऑफिशियल तरीकाकार है उसको बयान किया गया कि उसमें ये चीज़ें ये इन लोगों ने ये डिसाइड किया और इन इन चीज़ों को उन्होंने किया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो बीएस जो नर्सिंग है उसके लिए और डीपी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। अब ये भी इनका भी एमडी कैट टेस्ट होगा और इनकी भी कैलकुलेशन जो है वो एमडी कैट कैट के फार्मूले के मुताबिक ही होगी जो मैं पहले बता चुका हूँ। 50% आपका जो एमडी कैट का एमबीबीएस का जो है एग्रीगेट है और 40% आपके इंटरमीडिएट के जो मार्क्स हैं और 10% आपकी जो मैट्रिकुलेशन है उनके नंबर जो हैं वो काउंट किए जाएंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।